अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद राशिद चौधरी और मैं आपको दूंगा सऊदीया दुबई इंफॉर्मेशन। तो हमारा चैनल आप देखें, इसमें आपको बहुत सी मालूमात मिलेगी सऊदीया के बारे में, दुबई के बारे में, लेटेस्ट जॉब जो स्टार्ट हो रही है, जिन लोगों की जॉब ख़राब हो चुकी है कोरोना की वजह से, तो उसके बारे में मैं बताऊँगा कि उसे क्या करना होगा, कैसे करना होगा। तो सबसे पहले ये इशू बना हुआ है कोरोना वैक्सीन का, तो पूरी दुनिया में बना हुआ है, वैक्सीन लगवानी पड़ रही है। जो वैक्सीन नहीं लगा रहा वो ट्रेवल नहीं कर सक रहा, रेस्टोरेंट्स में नहीं जा सक रहा, पाकिस्तान ने भी लॉ बना दिए, शादी हॉल्स नहीं अटेंड कर सकता, मतलब दावतों पे घूमना फिरना नहीं कर सकता, मतलब सीधे लफ्जों में ट्रेवलिंग इज़ नॉट अलाउड। और आपको लाजमी है कि वैक्सीन लगवानी है, लोगों की तनख्वाहें बंद की जा रही हैं, अभी तो सुनाई में आ रहा है कि आपके फ़ोन की सिमें भी बंद कर दी जाएंगी, कि जब तक आप वैक्सीन नहीं लगाते अपने NIC नंबर पे, तो आपकी जो है NIC के थ्रू आपको आपकी जो निकली हुई सिम्स होंगी वो भी ब्लॉक कर दी जाएंगी। तो बैरून मुल्क तो ज़ाहिर है आपको वैक्सीन लगाना ही पड़ेगी। तो लोगों ने काफ़ी डराया हुआ है कि 2 साल में बंदा मर जाता है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जिस तरह जो डर रहा है उस तरह डराया जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जिधर तक मैंने देखा है कि हमारे जानने वालों ने भी लगाया है, रिश्तेदारों ने भी लगाया, कोई ऐसा मसला, कोई इशू नहीं, कोई चकमक नहीं लग रहा, कोई करंट नहीं आ रहा जिसम में, ये सब फ्रॉड की बातें हैं। तो व्यूवर्स, आप डरे नहीं, आप लगाएं, अपने हेल्थ का ख्याल रखें, जाहिर है कि बीमारी से इलाज बेहतर है, तो बेहतर है कि आप वैक्सीन लगाएं, बीमारी से बचें। सबसे पहले स्टेप आपका यही है कि आपको जो है ना वैक्सीन लगवानी ही है। वैक्सीन लगवाएंगे, आपका सर्टिफिकेट बनेगा, उसके बाद ही आप कोई और प्रोसीजर कर सकते हो। तो पहली मालूमात तो मैंने आपको यही दे दी कि ये बहुत मस्त है, और ये कोरोना का जो सा सिलसिला चल गया है, ये मेरे ख्याल में तकरीबन तकरीबन चलता ही रहेगा, इसका एंड मुश्किल है। क्योंकि कोई भी बीमारी दुनिया में आई है, ख़त्म नहीं हुई, बढ़ावा मिला है, कंट्रोल हुई है, लेकिन वो जड़ से ख़त्म अब तक तो कोई नहीं कर पाया है। तो यही आपको बताता चलो, फर्स्ट स्टेप है आपका, लाजमी है कि आपने वैक्सीन लगवानी है। फिलहाल तो फ्री में लग रही है, और बाद में ये है कि आपको हो सकता है 8,000 10,000 दे के लगवाना पड़े, तो बेहतर ये है कि आप अच्छा मौका देख के, तबीयत को सेट देखते हुए, ख़ास तौर पे आपने खाना खाया हुआ हो, भूखे पेट ना हो, खाली पेट ना हो, तो इन चीज़ों का ख्याल करते हुए ब्लड प्रेशर वगैरह, शुगर वगैरह नॉर्मल हो जाएगी, मतलब तंदुरुस्ती की हालत में लगा लें तो बेहतर है कि आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा, ट्रैवलिंग करने में आपको आसानी होगी, और जो पासपोर्ट वगैरह हैं उनके रिन्यूअल डेट वगैरह है वो सेट करके रखें, क्योंकि अभी जॉब्स स्टार्ट होने वाली हैं, क्योंकि अभी कोरोना तकरीबन तकरीबन इतना टाइम गुजार चुका है कि कंपनियां भी अब तंग आ गई, जो लेबर अपने अपने मुल्कों में चले गए वो दोबारा जब काम स्टार्ट होगा तो उन्होंने बुलाना है, तो पास लोग तो नहीं आए, कि नई भर्तियाँ होंगी, नए लोग होंगे, इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। आप बिल्कुल रेडी रहिए, तैयार रहिए, वैक्सीन लगा के पासपोर्ट रिन्यूअल करके बिल्कुल तैयार रहिए, इंशाल्लाह लेटेस्ट जॉब स्टार्ट होने वाली है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, मोहम्मद राशिद चौधरी।